और नाज़रीन मारी पेट्रोलियम ने शुमाली वजीरिस्तान में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया है। बनू वेस्ट ब्लॉक में 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है। मारी पेट्रोलियम के मुताबिक गैस जखीरा के दरियाफ्त से सालाना 1.5 अरब डॉलर ज़र मुबादला की बचत हो सकेगी, जबकि 25 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की पैदावार शुरू हो गई है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि गैस का जखीरा दरियाफ्त किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी। सुहेल बताएगा, इससे ज़र मुबादला के जखायर में भी इजाफा होगा और जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर क्या मुस्बत मुरतब होंगे? जी बिल्कुल, कई दहाइयों तक दहशतगर्दी और क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस का सामना करने वाले शुमाली वजीरिस्तान में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा गैस का एक बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। मारी पेट्रोलियम की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक बनू वेस्ट ब्लॉक में ये एक बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है, जिसकी जो इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक यहाँ पर 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का जखीरा मौजूद है। और इस गैस के जखीरे की दरियाफ्त से सालाना 1.5 अरब डॉलर जायद से जरा मुबादला की बचत होगी। और बिलखसूस पाकिस्तान में इस वक्त गैस की किल्लत है और महंगी गैस है, जिससे पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। उस वक्त ये गैस की दरियाफ्त होना बहुत बड़ी ये एक डेवलपमेंट है, और इसके साथ साथ इस इलाके के अंदर मजीद कुओं की खुदाई भी की जाएगी और उसके साथ साथ गैस की पैदावार में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। MD मारी पेट्रोलियम फहीम हैदर ने गुजश्ता साल जून 2021 में यहाँ पर ड्रिलिंग का बाकायदा आगाज करवाया था, जिसके बाद यहाँ पे ये बड़ी डिस्कवरी हुई है और यहाँ से इतलात के मुताबिक 200 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिय तक गैस की पैदावार शुरू होगी। बनू वेस्ट ब्लॉक में तकरीबन 4,915 मीटर जेर जमीन खुदाई की गई, जिसके बाद ये जखीरा दरियाफ्त हुआ और यहाँ से गैस जिस तरह बताया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का ये जखीरा है जो कि दरियाफ्त हुआ है, तो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी इतना बड़ा जखीरा दरियाफ्त किया गया है? और ये भी बताएगा, अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो इस जखीरे से कितनी देर तक इसको सिस्टम में लाया जा सकेगा ताकि जो पाकिस्तानी सारफीन है इसे मुस्तफीद हो सकें? देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर गैस का एक बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ था, सुई के अंदर यहाँ पे गैस दरियाफ्त हुई थी और आज भी वहाँ से पाकिस्तान को गैस की सप्लाई जारी है। उसके बाद अगर हम बात करें शुमाली वजीरिस्तान की और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की, तो ये बहुत बड़ा जखीरा है और इसको हंगामी बुनियादों के ऊपर इसकी सारा डेवलपमेंट का काम जारी है। 25 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की पैदावार को यकीनी बनाया जा रहा है। 300 बैरल यौमी खाम तेल की पैदावार भी शुरू की जा रही है। मारी पेट्रोलियम हुकाम का कहना है कि इस नई दरियाफ्त से मुल्की गैस की तलब को पूरा करने में हमें खासी मदद मिलेगी, उसके साथ साथ ज़र मुबादला की कतीर बचत होगी। और वहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा मसाइल थे, तहम मुतलका सिक्योरिटी इदारों की सपोर्ट के साथ मारी पेट्रोलियम ने सिक्योरिटी के मसाइल पर काबू पाते हुए यहाँ पर एक नया रास्ता हमवार कर दिया, जिसके नतीजे में मजीद कंपनी भी यहाँ पर आकर काम कर सकेंगी और गैस और तेल की पैदावार को शुमाली वजीरिस्तान में मजीद बढ़ाया जा सकेगा। तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी प्रोडक्शन पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बेहतरीन डेवलपमेंट है। सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।